हेलो फ्रेंड्स, मैं गुलाम दास, आप लोग देख रहे हैं। तो आज एक नोडल कहाँ हाजिर हो, जो कि मेरे पास अभी एक वीडियो कॉन का टीवी है। तो इसमें हमारा पावर सप्लाई फॉल्ट है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर पावर सप्लाई में 300 वोल्ट आ रहा है मेन कैपेसिटर में। उसके बाद में यहाँ पर 18 वोल्ट भी निकल रहा है हमारा एसटीआर के ऑन सप्लाई में, एसटीआर के, ठीक है। तो यहाँ पर सोर्स भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको सबसे पावर सप्लाई में आप जब रिपेयरिंग करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ईस एरिया को चेक तो करते हैं, उसके बाद में आपको ईस एरिया आपको जरूर से चेक कर लेना है। यहाँ पर जो डायड है, ठीक है, ये आउटपुट के डायड है, ठीक है, ये डायड को जरूर से चेक करना है आपको। ये डायड को चेक करना है, ये ट्रांजिस्टर को चेक करना है। हमारा इस केस में यहाँ पर कोई भी सप्लाई नहीं बन रहा है गैस, तो यहाँ पर रेड लाइट भी नहीं आ रहा है, इसमें पावर जो है ये नहीं बन रहा है। तो इसके लिए कारण हमारा ये जो डायड है 110 वोल्ट का, ये डायरेक्ट शो कर रहा है। मतलब ये डायड भी ख़राब हो सकता है, नहीं तो ये ट्रांजिस्टर ख़राब भी हो सकता है, ये एसटी भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसको ओपन करके देखना पड़ेगा, इस डायड का जो सप्लाई आगे गया है। तो ये आपके जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को ओपन कर दीजिए तो आपका ये फॉल्ट निकल जाएगा। ये डायड ख़राब है, ये एसटी ख़राब है, ये आउटपुट ख़राब है। अगर आउटपुट को चेक करना है तो आपको इस पिन को ओपन कर दीजिए यहाँ से, या यहाँ से ओपन कर लीजिए, इसको निकाल लीजिए तो आपको ये चेक हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो हमारे केस में जो है, हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये मल्टीमीटर है हमारा, हम इस डायोड में कंटिन्यूटी लगाता हूँ तो देख सकते हैं। हम इस डायोड को लगाए, हमारा मल्टीमीटर जो है ये बीप साउंड आ रहा है गाइस। तो इसका मतलब है हमारा पावर सप्लाई में शॉर्ट है। तो हम इसको पहले इस जम्पर को ओपन करेंगे, ठीक है। जम्पर को ओपन करने के बाद हम लोग देखेंगे इसमें कहाँ पर शॉर्ट है। तो गाइस, हमने यहाँ पर इसको ओपन कर दिया हूँ। तो यहाँ पर अभी हमारा कोई बीप साउंड नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा एसटी खराब हो सकता है, नहीं तो हमारा ये आउटपुट का जो ट्रांजिस्टर है ये खराब होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ओपन करते हैं एसटी के पिन से। तो गाइस, हमारा इसमें ईएसटी का पॉड है, ईएसटी, ठीक है। Thank you.
Thank you.